आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2024 मैच नंबर 16। मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस टीम के बीच। कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मैच जीत कर आई है और फर्स्ट पोजीशन पर बनी हुई है। मुंबई इंडियंस टीम भी अपना पिछला मैच जीत कराई है लेकिन प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। वेन्यू रहेगा इंडियन गार्डन कोलकाता, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है। ये मैच होगा 11/5/2024 सैटरडे को। टाइमिंग है 7:30 PM, जो कि इवनिंग टाइम है। इन लास्ट 5 ईयर्स हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल मैच प्लेड 10, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 मैच होम किए हैं और मुंबई इंडियंस टीम ने भी 5 मैच होम किए हैं। इस ग्राउंड पर रिसेंट 6 मैच हुए हैं, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम ने 4 मैच वॉन किए हैं और 2 मैच लॉस किए हैं। फर्स्ट मैच हुआ 23/3/2024 को, जिसमें केकेआर टीम ने 7 विकेट के लॉस पर 208 रन बनाए और सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने 7 विकेट के लॉस पर 204 रन बनाए। दोनों टीमों में से यहां पर केकेआर टीम ने जीत हासिल की। सेकंड मैच हुआ 14/4/2024 को, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने 7 विकेट के लॉस पर 161 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने 2 विकेट के लॉस पर 162 रन बनाकर इस मैच को जीता। थर्ड मैच हुआ 16/4/2024 को, जिसमें केकेआर टीम ने 6 विकेट के लॉस पर 223 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स टीम ने 8 विकेट के लॉस पर 224 रन बनाकर इस मैच को जीता। फोर्थ मैच हुआ 21/4/2024 को, जिसमें केकेआर टीम ने 6 विकेट के लॉस पर 222 रन बनाए और आरसीबी टीम ने 10 विकेट के लॉस पर 221 रन बनाए हैं। दोनों टीमों में से यहाँ पर केकेआर टीम ने जीत हासिल की। फिफ्थ मैच हुआ 26/4/2024 को, जिसमें केकेआर टीम ने 6 विकेट के लॉस पर 261 रन बनाए और पीकेएस टीम ने 2 विकेट के लॉस पर 262 रन बनाकर इस मैच को जीता। सिक्स मैच हुआ 34/2024 को, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स टीम ने 9 विकेट के लॉस पर 153 रन बनाए और केकेआर टीम ने 3 विकेट के लॉस पर 157 रन बनाकर इस मैच को जीता। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं मुंबई इंडियंस टीम की तरफ, जिसमें पॉसिबल प्लेयर्स में फर्स्ट पर आते हैं रोहित शर्मा, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। पिछले मैच में उन्होंने 4 रन बनाए हैं, बाकी मैचेज में इनके रन देखें तो 11/4/8/6/36 इस तरह के रन के रहे हैं। सेकंड पर आते हैं ईशान किशन, जो कि विकेट कीपर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। पिछले मैच में रन बनाए इन्होंने 9, बाकी मैचेज में इनके रन देखें तो 13/32/20 इस तरह के रहे हैं। थर्ड पर आते हैं नमनदीप, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं। पिछले मैच में ये 1 भी रन नहीं बना पाए, बाकी मैचेज में इनके रन देखें तो 11/0/30/20 इस तरह के रहे हैं। विकेट रही है 0-0। फोर्थ पर आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। पिछले मैच में इन्होंने 102 रन बनाए, नॉट आउट रहे, शानदार बल्लेबाजी इन्होंने यहाँ पर की। बाकी मैचेज में इनके रन देखे तो 56/10/26/10 इस तरह के रन इनके रहे हैं। फिफ्थ पर आते हैं तिलक वर्मा, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। पिछले मैच में उन्होंने 37 रन बनाए, नॉट आउट रहे। बाकी मैचेज में इनके रन देखे तो 4/7/63/65 इस तरह के रन इनके रहे हैं। विकेट रही है 0। सिक्स पर आते हैं हार्दिक पुंड्या, जो कि कैप्टन है, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट ली, शानदार बॉलिंग इन्होंने यहाँ पर की। बाकी मैचेज में इनके विकेट्स देखें तो 2/2/0/0 इस तरह की विकेट्स इनकी रही हैं। रन रहे हैं 146/10। सन पर आते हैं टीम डेविड, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। पिछले मैच में डू नॉट बैटिंग। बाकी मैचेज में इनके रन देखें तो 24/35 नॉट आउट, 37/3 इस तरह के रहे हैं। एट पर आते हैं पीयूष चावला, जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक हैं और पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए इन्होंने भी 3 विकेट्स ली हैं। बाकी मैचेज में इनके विकेट्स देखें तो 101 इस तरह की विकेट्स इनकी रही हैं। रन रहे हैं 10। नाइन्थ पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट ली है, बाकी मैच में ये 1 विकेट नहीं ले पाए। बाकी मैचेज में इनकी विकेट्स रही हैं 3/1/0/0। 11 पर आते हैं अंशुल कंबोज, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट ली है, बाकी मैचेज में इनकी विकेट कंटिन्यूसली रही हैं 2/4/0/2 इस तरह की। चलते हैं मुंबई इंडियंस टीम के बेंच प्लेयर्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट पर आते हैं नेहल वडेरा, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। पिछले मैच में नॉट प्लेइंग, बाकी मैचेज में इनके रन रहे हैं 6/46/4/49। सेकंड पर आते हैं विराट कोहली, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। पिछले मैच में नॉट प्लेइंग, बाकी मैचेज में इनकी विकेट्स रही हैं 0/1/0। थर्ड पर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। विकेट्स रही हैं इनके 0/0/0/1। रन रहे हैं 1/1/39 नॉट आउट। फोर्थ पर आते हैं श्रेयस गोपाल, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म लेग ब्रेक है। विकेट्स रही हैं इनकी 1/1/1/1। फिफ्थ पर आते हैं आकाश माधवल, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। विकेट्स देखें तो 1/0/1/0 इस तरह की इनकी विकेट्स रही हैं। सिक्स पर आते हैं डिवाल्ड ब्रेविस, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। रन रहे हैं इनके 0/46/50/14। विकेट रही है 1। सेवन पर आते हैं शम्स मुलानी, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म आउट डॉग्स हैं। विकेट्स देखें तो 0/0/0 विकेट्स रही हैं। रन रहे हैं 1/0/27। एट पर आते हैं कुमार कार्तिकेय, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिन है। विकेट देखें तो 1/3/4/3 से विकेट्स इनकी रही है। नाइन पर आते हैं मोहम्मद नबी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। विकेट्स रही हैं इनकी 1/1/0। रन रहे हैं 1/7/23। टेंथ पर आते हैं अर्जुन तेंदुलकर, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। विकेट्स रही हैं इनकी 1/1/4/2।
खिलाफ रखे हैं शिवालिक शर्मा जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रन देखें तो 142/531 इस तरह के रहे हैं, विकेट्स रही हैं 2। ट्वेल्थ पर आते हैं हार्दिक देसाई जो विकेट कीपर है, राइट हैंड बैट्समैन है, रन रहे इनके 61/81/18 नोट आउट 17। 13 पर आते हैं लुक वुड जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, विकेट्स रहे इनकी 1011 रन रहे हैं 9। अगर इनमें से कोई बेंच प्ले खेलता है तो आप स्कोर में चेक कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैच में आपकी हेल्प करेगा। कौन से होंगे हमारे ट्रंप प्लेयर से जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की तरफ जिसमें पॉसिबल प्लेयर्स में फर्स्ट पर आते हैं फिलिप सार जो विकेट कीपर है, राइट हैंड बैट्समैन है, पिछले मैच में उन्होंने 32 रन बनाए हैं, बाकी मैच में 5, 68, 75, 48 इस तरह के रन के रहे हैं। सेकंड पर आते हैं सुनील नारायण जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाते हुए इन्होंने 81 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी इन्होंने यहाँ पर की। बाकी मैचेज में इनके रन देखें तो 8, 15, 71, 10 इस तरह के रहे हैं, विकेट्स रही हैं 1, 2, 1, 1, 2 कंटिन्यूसली विकेट्स इनकी रही हैं। थर्ड पर आते हैं अंकुरिश रघुवंशी जो कि राइट हैंड बैट्समैन हैं, पिछले मैच में इन्होंने 32 रन बनाए हैं, बाकी मैच में 13, 3, 30 इस तरह के रन इनके रहे हैं। फोर्थ पर आते हैं एंड्रयू रिचर्ड जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, पिछले मैच में रन बनाए इन्होंने 12, विकेट्स इन्होंने 2 ली हैं। बाकी मैचेज में इनके विकेट्स देखें तो 2, 0, 0, 3 इस तरह की विकेट्स इनकी रही हैं, रन रहे हैं 7, 24, 27 नोट आउट। फिफ्थ पर आते हैं रिंकू सिंह जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पिछले मैच में इन्होंने 16 रन बनाए, बाकी मैच में 9, 11, 5, 20 नोट आउट इस तरह के रन इनके रहे हैं। सिक्स पर आते हैं श्रेष्ठ अय्यर जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, पिछले मैच में इन्होंने 23 रन बनाए, बाकी मैच में 6, 33 नोट आउट, 28, 50 तरह के रन इनके रहे हैं। सेवन पर आते हैं वेंकटेश अय्यर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पिछले मैच में ये 1 रन बना पाए, बाकी मैचेज में इनके रन देखे तो 70, 26 नोट आउट, 39, 16 इस तरह के रहे हैं। एट पर आते हैं रमनदीप सिंह जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, पिछले मैच में इन्होंने 25 रन बनाए, नोट आउट रहे हैं, बाकी मैचेज में इनके रन देखे तो 224 नोट आउट इस तरह के रन इनके रहे हैं, विकेट्स रही है 0। नाइन पर आते हैं वरुण चक्रवर्ती जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक हैं, पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स ली हैं, बाकी मैचेज में इनके विकेट्स देखे तो 2, 3, 0, 1 इस तरह की रही हैं। टेंथ पर आते हैं मिचेल स्टार्क जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट ली है, बाकी मैच में 4, 1, 1 इस तरह की विकेट्स इनकी रही हैं। लेंथ पर आते हैं हर्ष राणा जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने भी पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स ली हैं, बाकी मैच में इनके विकेट्स देखे तो 2, 0, 2 इस तरह की विकेट्स इनकी रही हैं। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो वैभव अरोरा ने अंकुरिश रघुवंशी को रिप्लेस किया है, वैभव अरोरा राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, पिछले मैच में ये 1 विकेट नहीं ले पाए, बाकी मैच में 0, 2, 1 इस तरह की विकेट्स इनकी रही हैं। चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के बेंच प्लेयर्स की तरफ जिसमें फर्स्ट पर आते हैं मनीष पांडे जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, पिछले मैच में नॉट प्लेइंग, बाकी मैच में इनके रन हैं 42, 28, 0 नोट आउट, 38 नोट आउट। सेकंड पर आते हैं दुष्मिता चमीरा जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, विकेट्स रही इनकी 0, 2, 2। थर्ड पर आते हैं अनुकुल रॉय जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म और डॉग्स हैं, विकेट्स रही इनकी 0, 0, 0, 0 रन हैं 34। फोर्थ पर आते हैं सुरेश शर्मा जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक हैं, विकेट्स रही इनकी 0, 0, 2। फिफ्थ पर आते हैं अल्लाह गजनफर जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक हैं और ब्रेक हैं, विकेट्स रही इनकी 0, 0, 3, 1। सिक्स पर आते हैं रहमान उल्लाह जो विकेट कीपर है, राइट हैंड बैट्समैन है, रन रहे इनके 6, 3, 0, 51, 21। टेंथ पर आते हैं साकिब हुसैन जो कि राइट आर्म मीडियम है, विकेट्स रहे इनकी 4, 0। एट पर आते हैं शेफिन दुपोर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, रन रहे इनके 9, 58 नोट आउट, 21, 29। नाइन्थ पर आते हैं चेतन सुप्रिया जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, विकेट्स रहे इनकी 1, 2, 1, 1। टेंथ पर आते हैं नीतीश राणा जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रन रहे इनके 9, 5, 8, 0, 42 नोट आउट। इलेवंथ पर आते हैं शिखर भरत जो कि विकेट कीपर है, राइट हैंड बैट्समैन है, रन रहे इनके 55, 28, 0। अगर इनमें से कोई बेंच प्ले खेलता है तो आप स्कोर में चेक कर सकते हैं, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैच में आपकी हेल्प करेगा। अब कुछ जानकारी बॉलर्स के बारे में, प्रीवियस मैच मुंबई इंडियंस बॉलर यूज मोहम्मद तुषारा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, पीयूष चावला। इनमें से अंशुल कंबोज और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट ली है, हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला ने 3 विकेट्स ली हैं। प्रीवियस मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बॉलर यूज वैभव अरोरा, मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, एंड्रयू रिचर्ड। इनमें से मिचेल स्टार्क और सुनील नारायण ने 1-1 विकेट ली है, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट्स लिए हैं, एंड्रयू रिचर्ड ने 2 विकेट्स लिए हैं। जानते हैं ट्रंप प्लेयर्स के बारे में जिसमें फर्स्ट पर आते हैं हार्दिक पांड्या, एंड्रयू रिचर्ड, रोहित शर्मा, सुनील नारायण। ये हमारी टीम है जिसमें कैप्टन है एंड्रयू रिचर्ड, वाइस कैप्टन है सुनील नारायण। अगर इनमें से कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है या फिर चेंज होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।